भागी दौड़ती जिंदगी के बीच हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं मुंबई रिपोर्टर। लेकिन खबर पूरे 27 घंटे तक गुल रही बिजली और इस बीच 7-7 ऑपरेशन रद्द करने पड़े। चले बढ़ते हैं आगे। उधर बेस्ट की बसें तकनीकी की दौड़ में भी आगे निकलती जा रही हैं। पब्लिक टेलीफोन सीसीटीवी कैमरे के बाद इन बसों में टेलीविजन भी लगाए जा रहे हैं, यानी मुंबई में सफर के दौरान अब इन बसों में आप चाहें तो फिल्मों के आनंद ले सकते हैं या फिर खबरों की दुनिया में घूम सकते हैं। हाईटेक होती जा रही है मुंबई की बेस्ट बस। पहले बेस्ट बसों में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा, फिर बेस्ट की बसों में लगे सीसीटीवी कैमरे और अब लगने जा रहा है टेलीविजन। यानी अब आप मुंबई जाएंगे तो आपको बेस्ट की बसों में लगा मिलेगा टेलीविजन, जिसमें आप दिन भर की ताजा तरीन खबरों के साथ साथ लाइव न्यूज, मार्केट अपडेट, जॉब वैकेंसी, क्लासिफाइड और फिल्मी खबरें देख सकेंगे। इसके अलावा बेजान दारूवाला का खास शो भविष्यफल, तरला दलाल का खास शो रेसिपी और कुकिंग भी बेस्ट की बस में देखने को मिलेगा। बेस्ट ने अपने यात्रियों को सुविधा देने के लिए रियल टाइम इंटरेक्टिव नाम की कंपनी से हाथ मिलाया है, जो आई मुंबई टीवी नाम का टेलीविजन चैनल खास तौर से बेस्ट के लिए शुरू करने जा रही है। एवरी मुंबईकर को जीपीएस के थ्रू क्या लोकेशन आ रहा है, नेक्स्ट स्टॉप इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन देगा। और जो भी सिटी के प्रोमिनेंट लोकेशन के थ्रू जाएगा तो उस लोकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है वो बताएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की जा रही इस सेवा से कंडक्टर बेहद खुश हैं, क्योंकि यात्री तो मंजिल आते ही उतर जाते हैं लेकिन कंडक्टर पूरे दिन बेस्ट बसों में ही बने रहते हैं। तो मैं आवाज़ देगा तो आवाज़ नहीं सुनाई देता है, लेकिन बस का वो स्पीकर से उनको मालूम पड़ जाता है कि स्टॉप कौन सा आने वाला है, तो उसको अच्छा लगता है कि भूल नहीं जाता है कि उतरने का स्टॉप है। फिलहाल ये सुविधा बेस्ट के 60 रूटों पर 500 बसों में शुरू की जा रही है। अगर बेस्ट की बसों में शुरू होने वाली इस सुविधा का यात्रियों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आई मुंबई टीवी को मुंबई की सभी 4120 बसों में शुरू कर दिया जाएगा। विनोद जगदाले, मुंबई न्यूज 24। इसी खबर के साथ रुकेंगे बस थोड़ी देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुंबई रिपोर्टर।